आज दोस्तों, जिस किसी ने भी इस कथा को एक बार भी सुन लिया तो दोस्तों उसका जीवन सदगति की ओर चल पड़ेगा, और जो लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, अगर जो स्त्री हम बताने जा रहे हैं, अगर स्त्री से अपनी पत्नी के अलावा आप सेक्स या शारीरिक संबंध बनाते हो तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा और आपका जीवन सदगति की ओर जाएगा। दोस्तों, आपकी शादी हो गई है या भविष्य में होगी, और यदि आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कलयुग में शर्म आती है कि लोगों के पास फालतू की वीडियो देखने का समय है, परंतु आज हम आपको देव आर्षि नारद और यमराज के बीच की प्रेरणात्मक कथा सुनाने जा रही हैं। दोस्तों, पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। आइए दोस्तों, आपको इसे समझाने के लिए एक सच्ची कथा सुनाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यमलोक के देवता यमराज विशाल का सिंहासन पर विराजमान होते हैं, उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए होते हैं, तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख यमराज उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगता है, दोस्तों नारद जी, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता यमराज, आपको प्रणाम है। यमराज कहते हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा, कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से आज यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं, तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और चारों दिशाओं का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और पुण्यात्मा मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं, इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं, हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए, हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तब देवर्षि कहते हैं, यमराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं, क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। यमराज कहने लगते हैं कि देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। दोस्तों, हम आज के इस युग की बात करें तो जब पति पत्नी एक दूसरे की शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ रहने की कसम खाते हैं, दोस्तों यह कसम आज के इस आधुनिक जमाने में हर कोई पंडित के सामने लेता ही है, परंतु आज की इस जमाने में कसम जो एक दूसरे के पति पत्नी के समय शादी के समय ली जाती है वह एकमात्र कसम ही रह गई है, क्योंकि दोस्तों शादी हो जाने के बाद एक ही पत्नी के साथ कई बार संभोग करने के बाद या सेक्स करने के बाद पुरुष बोर हो जाता है और दूसरी पत्नी की तरह नजर लगाना शुरू कर देता है, और आज की इस जमाने में हर एक पुरुष शादीशुदा बस यही फर्क नहीं घूमता रहता है कि इस औरत से और संबंध बना लो, फिर सोचता है एक और अच्छे संबंध बना लो। ऐसे करते करते उसका मन किसी भी औरत के साथ नहीं लगता है, बस उसके मन में एक नई नई औरतों के साथ हवस बुझाने का ही मन बना रहता है। परंतु दोस्तों, एक ही स्त्री ऐसी होती है कि अगर आप उसके साथ पत्नी के होते हुए भी संबंध बनाते हैं, शारीरिक या सेक्स करते हैं, तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूं।
इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, मैं उसके 32 अपराध माफ करता हूं। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे, जिनका नाम था धर्मपाल। महाराज धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, प्रजा का सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। महाराजा की सुकन्या नाम की पत्नी थी, जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज, इसको कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक वैद्य बुलाए, अनेक पुत्र, प्रताप के उपाय किया, दान धर्म किया, व्रत, किंतु उन्हें किसी भी उपाय से संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक दिन प्रजाजन महाराज के पास आते हैं और कहते हैं, महाराज आप पुत्र प्रताप के लिए दूसरा विवाह करें। किंतु महाराज अपनी प्रजा की बात से सहमत नहीं होते। महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए वे अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखाना चाहते थे, तथा महाराज शास्त्रों का भी ध्यान रखते थे कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री के प्रति एक निष्ठ रहना चाहिए। दोस्तों, एक पत्नी के होते हुए कभी दूसरी स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। जिस प्रकार से एक मादा पशु के साथ डोनर पशु नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार से एक पुरुष के साथ दो स्त्रियों कभी सुखी नहीं रह सकती। दोस्तों, जो पुरुष एक पत्नी होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध रखता है, वह घोर पाप करता है और नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। फिर प्रजनन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं कि वे महाराज को दूसरा विवाह करने के लिए मनाएं। तब रानी सुकन्या भी प्रजा के दुख समझती है और महाराज के पास आकर कहने लगती है, स्वामी आप कृपया दूसरा विवाह कर लीजिए, हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर महाराज रानी को भी मना करते हैं और कहते हैं कि यदि मैं दूसरा विवाह भी कर लूंगा तो मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा, और तुम बताओ क्या तुम मेरे दूसरे विवाह से खुश रह पाओगी। तब रानी कहती है, स्वामी आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, मैं मेरी सौतन को अपनी बहन मानकर प्यार दूंगी, कृपया आप संकोच न करें, मुझे इससे क्षण मात्र भी दुख नहीं होगा, मैं आपको विवाह के लिए सहमति देती हूं। तब महाराज कहते हैं कि देवी, किंतु मुझे उस पाप से कौन बचाएगा जो एक स्त्री के होते हुए भी दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है, मैं ऐसा घोर अनर्थ नहीं करना चाहता। उधर स्वर्ग लोक से महाराज के सभी पूर्वज इस घटनाक्रम को देख रहे होते हैं। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यदि महाराज को पुत्र नहीं होगा तो कुल का विनाश हो जाएगा। इसी भाई से सभी पूर्वज बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर एक दिन सभी पूर्वज महाराज के साथ ने में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, एक पुत्र, तुम्हारे कारण हमारी दुर्गति हो रही है, हमारे कुल का विनाश हो रहा है। तब महाराज अपने पूर्वजों से कहते हैं कि महात्मा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो आप सभी इतने दुखी हुए हैं? आपकी आत्मा की शांति के लिए जो भी उपाय हो हमें अवश्य ही करूंगा। तभी वे पूर्वज कहने लगते हैं कि पुत्र, हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, वह है तुम्हारी संतान। यदि तुम पुत्र को जन्म नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ साथ हमें भी नरक में जाना पड़ेगा, हमारा संपूर्ण कुल और वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए है पुत्र, हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम दूसरा विवाह करो। पुत्र के बिना मनुष्य को सदगति प्राप्त नहीं होती है। पुत्र ही अपने माता पिता का उद्धार करता है, उन्हें मोक्ष दिलाता है। जब वह श्राद्ध करता है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब वह पृथ्वी लोक पर दान धर्म करता है तो हमें स्वर्ग लोक में भोजन की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे पुत्र, तुम शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति के लिए कोई उपाय करो। अपने पितरों की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते हैं,
फिर सभी पितृगण दुखी होकर यमराज के पास जाते हैं और उनसे विनती करते हुए कहते हैं, हे धर्मराज, कृपया हमारे कुल की रक्षा कीजिए। हमारी पुत्र की कोई संतान नहीं है और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। कृपया आप हमारे पुत्र को दूसरा विवाह करने की आज्ञा दें। फिर यमराज कहते हैं, महात्माओं में अवश्य ही तुम्हारे पुत्र को समझाऊंगा और उसे पुत्र प्राप्त करने के लिए प्रेरित करूंगा। ऐसा कर यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं। हुए जब यमराज पृथ्वी लोक पर आते हैं और एक साधु का रूप धारण करके महाराजा धर्मपाल के दरबार में जाते हैं। उन साधु को देखकर महाराज धर्मपाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनका आदर सत्कार करते उनसे पूछते हैं, महात्मा आप कौन हैं? किस प्रयोजन से आप हमारे इस राज्य में पधारे हैं? आपके मुखमंडल का देश देखकर यह प्रतीत होता है कि आप अवश्य ही कोई बड़े तपस्वी हैं। तब वह साधु उस राजा से कहते हैं, मैं साक्षात यमराज हूं। तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही मैं स्वयं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। वह साधु महाराज से कहते हैं, तुमने अपने पूर्वजों को ध्वस्त कर दिया है जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र के बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, तुम्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र को जन्म अवश्य देना चाहिए। फिर महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, मैं विवश हूं, मैं दूसरा विवाह करके पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं पुत्रहीन होकर जीवन व्यतीत करूं। यमराज कहते हैं, बस तुम्हारी न्यायप्रिय आचरण से और अपनी पत्नी के प्रति एक निष्ठा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। किंतु हे धर्मपाल, एक मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। यदि किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी है तो वह पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है, इसमें कोई पाप नहीं है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि यदि एक पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है और उसकी पत्नी उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति देती है तो उसे दूसरा विवाह करने में संकोच नहीं करना चाहिए। साक्षात यमराज के द्वारा ऐसे वचन सुनकर महाराज अति प्रसन्न हो जाते हैं और यमराज को धन्यवाद देते हैं। फिर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज धर्मपाल अपनी पत्नी सुकन्या के पास जाते हैं और उससे दूसरा विवाह करने की अनुमति मांगते हैं तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति दे देती है। तब महाराज दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं जिससे उन्हें सुंदर पुत्र रत्न की प्रताप होती है और उधर स्वर्गलोक में सभी पूर्वज भी आना विदित हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे काम यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कामों के बारे में बताया गया है, गरुड़ पुराण और कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों के लिए कौन कौन सी अलग सजाएं दी जाती है। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यमराज की न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। दोस्तों, गरुण पुराण में बताया गया है कि पर स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे की गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना होकर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को न कि घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नरक की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, मित्र के साथ विश्वासघात करके उसकी पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं, लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी
तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने उस समय समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजनबी बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा अश्वत्थामा को दी थी। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। दोस्तों, भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने गोत्र की महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाला पुरुष अगले जन्म में लकड़बग्घा बनता है। साथ ही कहा जाता है कि अपने गोत्र की लड़की से विवाह करने पर होने वाली संतान आमतौर पर मानसिक रूप से कमजोर, विकलांग या पूरी तरह अक्षम हो सकती है। गरुड़ पुराण को सनातन धर्म में महापुराण की संज्ञा दी गई है। इसके जरिए लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने के लिए धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। गरुड़ पुराण में सही और गलत कर्मों की व्याख्या भी की गई है और उनके आधार पर यह बताया गया है कि किस पाप के लिए व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद कर्मों के आधार पर स्वर्ग और नरक मिलने की बात कही गई है। दोस्तों, एक बार अर्जुन ने भगवान से पूछा, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में, जेल में 84 लाख योनियों में जाता है। भगवान ने उत्तर दिया, कामना मनुष्य से पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं और पाप से दुखी होता है, दुर्गति में जाता है। दोस्तों, मनुष्य के मन में, इंद्रियों में, बुद्धि में, अहम में और विषयों में कामना का वास होता है। कामना ही मनुष्य की बारी है, पतन का कारण है, ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन वही कर्म दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं तो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। अपने लिए करें, स्वार्थ से करें, कामना से करें तो वही कर्म बंधन है, आफत है, भोग है, और दूसरों के लिए करें, निष्काम भाव से करें, प्रेम से करें तो वही कर मुक्ति का, आनंद का, योग का कारण बनते हैं। दोस्तों, दूसरों के लिए कम करना ही यज्ञ है। गीता में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। दूसरों के हित में समय, संपत्ति, साधन लगाना द्रव्य योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। भगवान के शरण होना भर्ती यज्ञ है। शरीर से असर हो जाना, अपने आप को जानना ध्यान यज्ञ है, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, क्योंकि इससे सब कर सकते हैं और इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। सत्संग से जो विवेक प्राप्त होता है, विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। श्रद्धा, उत्कर्ष, अभिलाषा, इंद्रिय संयम इस यज्ञ के उपकरण हैं। हमें ध्यान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह ध्यान भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।